ପାକିସ୍ତାନର ଆଉ ଏକ ଚାଲ। ପାକ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇ ଉଠାଇ ନେଲା ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ଇସ୍ଲାମାବାଦ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ସକାଳୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ସକାଳୁ ନିଜ ଅଫିସକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପାକ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଗତ ଜୁନ୍ 4ରେ ଏହାର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନି। हमारे देश के दो डिप्लोमैट जो पाकिस्तान में पोस्टेड थे वो एम्बेसी से मिसिंग हो गए हैं और ये बिल्कुल साफ है कि इन्हें आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने कैद कर लिया है और उनके खिलाफ वो बहुत ही आक्रामक कार्रवाई करेगी और उनको डराएगी। इसका कारण ये है कि कुछ दिन पहले दो पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स को पकड़ा गया था कि जब वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन दिल्ली में कर रहे थे। जब पाकिस्तान ने कोरोना के अंदर बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, पाकिस्तान अपनी जनता को प्रोटेक्ट करने के बदले वो कश्मीर वैली में दहशतवाद को एक बार फिर पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला। उनके साथ जो हमारी डीलिंग है यह बहुत देर तक उनका ये जो मिसबिहेवियर ये है ये हमें उसको बेयर करना पड़ेगा और उनके खिलाफ और काफी सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। गत मास रे भारत रे अवस्थित पाक दूतावास रो दुई अधिकारी जासूसी करथुवा बेले धरा पड़िथिले। एहा परे समानन को भारत सरकार देशरु तोडा मारी विदा करथिले। एहा कुने भारत ओ पाक मध्यरे उत्तेजना स्थिति लागि रहथला। हुए तो पाकिस्तान एबे एहार प्रतिशोध नेबा पई एभळी चक्रांत करछे। निखोज भारतीय अधिकारी को उपरे जासूसी रो मिछ अभिजोग लगाई पारे पाकिस्तान। सेपटे घटना परे पाक सरकार को भारत पक्षरु चेतावनी दिया जाइछे। पाक एभळी चक्रांत करी भियना कन्वेंशन रो उल्लंघन करथिबा अभिजोग करिछे। एथिस 1992 रो बायलैटरल कोड ऑफ कंडक्ट को पाक उल्लंघन करथिबा भारत पक्षरु कह जाइछे। ब्यूरो रिपोर्ट, द ऑर्गस.इन।